हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग लेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम लोगों का जो क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हम लोगों ने अपना एक ब्रॉड टॉपिक जो था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वो किया है ख़त्म। उसी के बाद अब जो हमारा लास्ट कह सकते हैं जो मेन टॉपिक है, जो ब्रॉड टॉपिक है, वह है हमारा लेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग लेंस को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, लेंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और किनको हम लेंस कहते हैं। ये सारी बातों को हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो बच्चों, जब वीडियो का टारगेट हो गया है सेट, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है लेंस। तो बच्चों, किन चीज़ों को हम लेंस कहेंगे? ठीक है, पहली चीज़ तो ये बात आती है मन में कि लेंस एग्जैक्टली होता क्या है या लेंस हम कहेंगे किसको। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी लेंस यूज़ किया होगा। ठीक है, लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेंस क्या होता है बच्चों? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से लाइट क्या होती है, बिल्कुल आसानी से आर पार हो जाती है। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल आपने सही बोला। अब मन में आपके आ रहा होगा, तो सर इस तरीके से तो हमारा जो ग्लास डोर होता है वो भी लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट तो उसके भी आर पार हो जाती है। ठीक, इस तरीके से ग्लास स्लैब ले लो आप, ग्लास स्लैब भी एक लेंस का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा रिफ्लेक्शन शो करता है वो, और दूसरी चीज लाइट इजिली आर पार हो जाती है। तो क्या ये सभी के सभी लेंस होंगे? मन में सवाल आ रहा होगा आपके। तो बच्चों, आपके सवाल और आपके मन के क्वेश्चंस को और उसको आंसर बदलते हुए मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों, जो आपके लेंस होते हैं, लेंस होने की कंडीशन होती है। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों उन्हीं को लेंस कहेंगे जिनका एक सरफेस कम से कम क्या हो, कर्व्ड हो। ठीक है, किसी का मतलब लेंस हम उसको कहेंगे जिसका कम से कम एक सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, तो हम क्या कहेंगे, वो एक लेंस है। अगर कर्व्ड सरफेस नहीं है तो उसको हम लेंस नहीं कहेंगे। अगर आपका कोई इस तरीके से ग्लास स्लैब है, तो इस ग्लास स्लैब को हम लेंस नहीं कहेंगे, भले ये कितना भी अच्छा रिफ्रैक्शन शो करे, चाहे जितना अच्छा रिफ्रैक्शन शो करे, से हम लेंस नहीं कहेंगे। क्यों लेंस नहीं कहेंगे? क्योंकि लेंस होने की एक कंडीशन है कि उसका कम से कम एक सरफेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वह एक सरफेस आपका कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए प्यारे बच्चों? कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह क्या है, एक लेंस है। ठीक बच्चों, तो आई बात समझ में लेंस की, कि हम हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस नहीं कहेंगे, भले वो कितना ही अच्छा रिफ्रैक्शन शो कर रहा हो, हम उसी मीडियम को, उसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस कहेंगे जिसका कम से कम एक सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो। कैसा हो बच्चों? कर्व्ड हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो बच्चों, आपके लेंसेज जो होते हैं, ठीक है, अब लेंस तो बात समझ में आई होगी होप, क्योंकि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सी बात थी, जिसका एक सरफेस कर्व्ड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अब लेंसेज के टाइप्स की बात की जाए, तो अब मैं पूछूंगा बच्चों कितने टाइप के लेंस होते हैं, तो आप लोग बताओगे सर दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बिल्कुल सही, होते हैं, लेकिन केवल दो टाइप के नहीं होते हैं, और भी हमारे पास टाइप्स हैं लेंस के। ठीक है, यानी कुल मिला के 6 टाइप के लेंसेज होते हैं। ठीक बच्चों, कितने टाइप के लेंस होते हैं आपके? 6 टाइप के लेंस आपको देखने हैं। ठीक है, पढ़ने तो हमें एग्जैक्टली कितने हैं, पढ़ने हमें केवल और केवल दो ही हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, लेकिन क्या है हमारे पास दो नहीं के 6 टाइप्स के लेंस होते हैं, तो ज़रूरी है जानना। तो चलिए एक एक करके हम सभी उन लेंसेज को क्या करते हैं, जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि आपका एक ग्लास स्लैब जो होता है, वो ग्लास स्लैब क्या करता है, अच्छा रिफ्लेक्शन शो करता है, एक बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, अब लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक लेंस नहीं कह रहे थे,
तो अब इसको लेंस बना दिया जाए, भाई सब कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट है लेंस वाली, पूरी की पूरी इसके पास क्वालिटी है, लेकिन केवल एक कर्व्ड सरफेस ना होने की वजह से इसे हम लोग लेंस नहीं कह रहे थे। तो चलिए इसको एक क्या दे देते हैं, एक कर्व्ड सरफेस दे देते हैं। तो ये हमने दे दिया इसको एक कर्व्ड सरफेस। अब जैसे ही हमने इसको दिया एक कर्व्ड सरफेस, तो ये आपका क्या बन गया, एक लेंस बन गया। अब लेंस कैसा, ये देखिए एक प्लेन सरफेस था, उस प्लेन सरफेस पे एक बाहर की तरफ उभरा हुआ कर्व सरफेस आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, एक लेंस में कन्वर्ट हो गया। और बाहर की तरफ उभरे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या है, एक प्लेन सरफेस है, तो लिखेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस हो जाएगा बच्चों, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक प्लेन सरफेस में अंदर की तरफ एक कर्व्ड सरफेस बना दें, तो ये कैसा लेंस कहलाएगा। अब इसमें भी एक कर्व सरफेस आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। आई बात समझे बच्चों, ये हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब इसी तरीके से अगर हम दो कर्व्ड सरफेस यानी बाहर की तरफ ही घूमे हुए उभरे हुए दो कर्व सरफेस को मिला करके एक लेंस बनाएं, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक है। इस तरीके से अगर हम कोई सरफेस बनाते हैं दो बाहर की तरफ उभरे हुए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने कॉनकेव की कॉन्वेक्स, दो कॉन्वेक्स आ गए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, डबल कॉन्वेक्स या डाई कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलेंगे, डाई कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से अंदर की तरफ पार्ट को अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाई कॉनकेव। क्या हो जाएगा, डाई कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से, अब अगर हम इसी तरह से एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ इस तरीके से लेंस को बनाते हैं, तो ये हमारा कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेवो। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्सो, ये लेंस कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या कहलाएगा बच्चों, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्यों, क्योंकि एक पार्ट इसका कॉन्वेक्स है और एक पार्ट क्या है इसका, कॉनकेव, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहेंगे। अगर अब इसी तरह से अगर हम एक पार्ट अंदर की तरफ और एक पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ इस तरह से बनाते हैं, तो ये आपका कौन सा लेंस बन जाएगा बच्चों, कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस। क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एक कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस बन जाएगा। तो यही छह तरीके के आपके लेंस होते हैं, ठीक बच्चों, कि यही आपके क्या हैं, छह तरह के लेंस हैं। क्या बात की हम लोगों ने अभी, बात की कि लेंस हमारा क्या होता है, तो लेंस के बारे में हम लोगों ने बात की कि लेंस वह होता है जिसका कम से कम एक सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, यानी कोई भी ऐसा लेंस जिसका मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एक सरफेस अगर क्या हो, कर्व्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लेंस कहेंगे। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस बच्चों हमारे छह टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, डाई कॉन्वेक्स लेंस, डाई कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
ये आपके 6 तरह के लेंस के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना हो स्क्रीनशॉट तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो आई होप बच्चों आप लोगों को लेंस क्या होता है और लेंस के टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तुम लोगों ने लेंस देखा, लेंस के टाइप्स देख लिए, अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं किनके बारे में, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो बच्चों स्फेरिकल लेंस क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अ स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल यूजुअली ग्लास, ठीक है। क्या होता है स्फेरिकल लेंस, क्या होता है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, यानी रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का एक मतलब ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग एक मटेरियल होता है विच इज बाउंड बाय टू सरफेस, ऑफ्टन बोथ आर सरफेस ऑफ अ लेंस आर स्फेरिकल। मतलब कुल मिला के बात क्या कही जा रही है कि जो आपका स्फेरिकल लेंस होता है वह दो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल को मिला करके बनाया जाता है। क्या बता रहा है, यूजुअली जो ग्लास होता है विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ्टन बोथ द सरफेस ऑफ अ लेंस आर स्फेरिकल, ठीक है, कि दो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का यूज करके क्या किया जाता है आपका एक स्फेरिकल लेंस बनता है, ठीक है बच्चों। क्या बनता है आपका एक स्फेरिकल लेंस बनता है। तो यही कहानी आपको यहाँ पे बताई गई है कि स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूजुअली ग्लास विच इज बाउंडेड बाई टू सरफेस ऑफ्टन बोथ द सरफेस ऑफ अ लेंस आर स्फेरिकल, ठीक है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, तो यही कहानी यहाँ पे बताई गई है कि स्फेरिकल लेंस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज यानी आपके जो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को ही हम लोग स्फेरिकल लेंस कहते हैं, ठीक। तो ये जो स्फेरिकल लेंस होते हैं प्यारे बच्चों, ये दो लेंसेज यानी दो सरफेस को मिला करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहला क्या है, स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। पहला क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो एक सरफेस आपका ये हो गया और दूसरा सरफेस आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस सरफेस को अगर हम कंप्लीट करें, ठीक है, तो एक आपका स्फेरिकल लेंस बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। दिखा आपको बच्चों, दिख रहा होगा आई होप आप सभी को कि इन इसी तरह के दो स्फेरिकल दो लेंसेस को दो सरफेस को मिला करके क्या बनाया जाता है आपका एक स्फेरिकल लेंस बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो कॉनकेव को भी आप देख सकते हैं, तो कॉनकेव लेंस आपका कैसा होता है ऐसा, ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है। अब इसको भी सरफेस को अगर हम पूरा मिला दें तो देखेंगे कि एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो देखिए दो सरफेस आ रहे हैं ना, तो इसी तरह से हमेशा जो आपका लेंस होते हैं कॉनकेव और कॉनवेक्स, इसी तरीके के दो सरफेस को मिला करके आपका एक स्फेरिकल लेंस बनता है। क्या बनता है आपका बच्चों, एक स्फेरिकल लेंस बनता है, यानी दो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, एक स्फेरिकल लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, एक स्फेरिकल लेंस बनाते, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में आपको कि हमें दो स्फेरिकल लेंसेज को पढ़ने थे, ठीक है। कौन कौन से स्फेरिकल लेंस पढ़ना था हम लोगों को, कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स लेंस में हम लोगों ने देखा कि हमारे ये दोनों के दोनों लेंसेज क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों लेंसेज हमारे दो स्फेयर को लेकर के चलते हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बना करके दिखा दिया, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ये दो स्फेयर से मिल करके बने हुए हैं, ठीक है, इनके पीछे का रीज़न क्या है। तो बच्चों इनके पीछे का रीज़न अभी जब हम लोग कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, किसके, आपके स्फेरिकल लेंसेज के कंपोनेंट्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल और अच्छे से
क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्या देखा हम लोगों ने कि हमारा स्फेरिकल लेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हमारे दो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यानी दो स्फेयर से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और इन दोनों स्फेयर्स का अपना अपना एक सेंटर पॉइंट होता है। इस स्फेयर का एक अपना ये सेंटर पॉइंट, इस स्फेयर का अपना ये एक सेंटर पॉइंट, उसी तरह से इस स्फेयर का भी अपना एक सेंटर पॉइंट होता है और इस स्फेयर का भी एक अपना सेंटर पॉइंट होता है। तो सिंपल सा बस आपको ध्यान रखना है कि स्फेरिकल लेंसेस जो होते हैं वो दो स्फेयर से मिल करके बने होते हैं। ठीक, चलिए आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद की कहानी क्या है बच्चों, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने मिरर के केस में क्या पढ़ा था, मिरर के केस में पढ़ा था कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। मिरर के केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब उसी को हम यहाँ लेंस के केस में क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी कॉनकेव लेंस का जो बिहेवियर था वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस परफॉर्म करेगा और कॉनकेव लेंस का जो बिहेवियर, ठीक है, क्या था, कॉनकेव मिरर का जो बिहेवियर था वो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे परफॉर्म करेगा और कॉन्वेक्स मिरर का जो बिहेवियर था वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस परफॉर्म करेगा। यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा यानी ये लाइट्स को कन्वर्ज करने का काम करेगा, कॉनकेव लेंस जो आपका होगा वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा जो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ठीक है, तो सिंपल सी बस यही बात आपको इसमें जाननी थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए इसे हम करते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं अपने कंपोनेंट्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक, तो कंपोनेंट की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के कंपोनेंट्स को देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के कंपोनेंट को देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के कंपोनेंट में क्या होगा, पहले हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या करेंगे, हमारी आएगी एक इस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रही आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आ गई हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस आ गई प्यारे बच्चों। फिर अब प्रिंसिपल एक्सिस आ गई तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिलता था मिरर के केस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मिलता था बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता था। तो अब यहाँ पे दो स्फेरिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे दो स्फेयर हैं, दो स्फेयर को मिलकर के आपका ये कॉन्वेक्स लेंस बना है। इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले इसको अगर चेक करना है कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा का मतलब क्या, चेक बताते हैं कि ये आपका हो गया एक स्फेरिकल, अब ये दूसरा आपका स्फेयर। ठीक है, अब जब स्फेयर दो हैं तो स्फेयर के सेंटर भी दो होंगे। ठीक है, तो जब स्फेयर दो हैं तो स्फेयर के सेंटर भी क्या होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरीके से यहाँ हम ले लेते हैं क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग बच्चों यहाँ पे 2F1 और 2F2 से डिनोट करते हैं। 2F1 और 2F2 से यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे बच्चों क्या होता था, मिरर के केस में पोल होता था, तो उसी तरह से यहाँ पे अब पोल ना होकर के क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर होगा। उसके बाद हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलते थे बच्चों, रेडियस बोलते थे, वो कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता था, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आती थी, आपका ये अब जो भी
ये जहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन शो होगा, ठीक है, वो आता था। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मिरर के केस में हम लोगों ने क्या किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा अपर्चर आया था, पोल आया था, प्रिंसिपल एक्सेस आई थी, ठीक है, और क्या क्या आया था, प्रिंसिपल एक्सेस के साथ साथ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस आया हुआ था, ठीक। इसके इस केस में आप देखेंगे तो अभी तो हमें क्या करना है, फोकस ऑप्टेन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, फोकस तो ऑप्टेन करना है, तो फोकस तो होगा नहीं, तो बस सिंपल सा क्या होगा, हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक यहाँ पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ होगा, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक की कहानी हम लोगों ने सारी पढ़ी हुई है, ठीक। अब इसके अलावा आपके लेंस में और ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है, यही कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको लेंस के केस में देखना है, ठीक है। आगे अभी हम लोग फोकस को ऑप्टेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका जो लेंस की बात थी वो यही थी, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस के जो कंपोनेंट्स की बात थी वो कंपोनेंट्स आपके सिंपल से यही हैं, यानी आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यही आपके आपके कॉन्वेक्स लेंस के क्या हैं, आपके कॉन्वेक्स लेंस के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है बच्चों, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, कंपोनेंट हैं, आई बात समझ में, ठीक है। ठीक, अब अपर्चर की बात कर लें तो अपर्चर आपका जहां पर आपकी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो आपका एरिया क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, ठीक है, यानी कि जो आपका अपर्चर होगा वो अपर्चर क्या होगा, वो एरिया जहां से लाइट का आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपका एरिया क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। तो ये तो आपके हो गए कंपोनेंट्स, हो गए किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से सेम आपके कॉनकेव लेंस के भी क्या होंगे, कॉन्वेक्स लेंस के भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी कॉनकेव लेंस के कंपोनेंट्स, कॉन लेंस, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं, ये आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पहला कंपोनेंट, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है, क्या आया आपका, एक प्रिंसिपल एक्सिस आया, ऑप्टिकल सेंटर ओ आया, ठीक, और क्या होता है उसके बाद हमारा आएगा 2F1, ठीक है, जैसा कि वहां पे आया था, तो 2F1 2F2, ठीक है, 2F1 और 2F2, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस के किसी भी पॉइंट पे हम अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताया था ना रेडियस होता है, क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी आर, बीच की दूरी को आर कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया किसका, आपका कंपोनेंट हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम आपका यही कॉनकेव में भी था, सॉरी कॉन्वेक्स में,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ बच्चों? तो यही आपके कुछ कंपोनेंट्स थे कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस को लेकर के, ठीक है। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या बताया मैंने फिर से देख लेते हैं। क्या होता है हमारा, दो स्फेयर से मिलकर के आपका स्फेरिकल लेंस बनते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम लोग देख रहे थे। तो हमारा ये एक कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस का हमारा एक पहला जो कंपोनेंट है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने का काम करती है। तो हमारे दो स्फीयर हैं, तो दो स्फीयर होने की वजह से यहाँ पे दो सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेंटर हमारा 2F1, दूसरा सेंटर 2F2। ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारा लेंस का ये, और सेंटर से किसी भी लेंस के किसी भी पॉइंट पर मिलाने पर जो दूरी आती है, ठीक है, यानी सेंटर से हमारे लेकर के लेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, जिसे रेडियस कहा जाता है और इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। और यही सेम चीज़ आपके कॉनकेव लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी थी। तो बस यही कहानी थी आपके प्यारे बच्चों कंपोनेंट्स को लेकर के। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये तो थी आपके कंपोनेंट्स की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोकस कैसे ऑप्टेन हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बच्चों हम लोग फोकस क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं। फोकस हमारा गिवन सॉरी कंपोनेंट में नहीं आता है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोकस को ऑप्टेन करना सीखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने मिरर के केस में सीखा था। आई होप आज जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं थी जो आपको ना समझ में आए, बहुत हल्की फुल्की बातें थी। जिन्होंने मिरर अच्छे से पढ़ा हुआ है उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।